प्रोटीन बनाने के लिए 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी दो अमीनो एसिड आपस में अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप का इस्तेमाल करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अमीनो एसिड का जो सेंट्रल कार्बन है उसे हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है इसे हम लोग अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। सिमिलरली जो NH2 ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसे हम अल्फा NH2 ग्रुप कहते हैं। और जो साइड में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या एटम्स जो निकले हुए हैं इनको हम लोग आर ग्रुप के रूप में जानते हैं। सभी 20 अमीनो एसिड केवल इस आर ग्रुप के लिए अलग अलग हैं, यानी कि अल्फा NH2, अल्फा COH, बीच का सेंट्रल कार्बन जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन, ये सभी अमीनो एसिड में कॉमन रहता है। लेकिन जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं अपने इस आर ग्रुप की वजह से। जैसे कि इस केस में हम लोगों ने जो डायग्राम बना रखा है ये एलानिन है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए दो अमीनो एसिड पास में आते हैं और एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 से इंटरेक्ट करता है। इस इंट्रैक्शन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमीनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन ये दोनों बाहर निकल जाते हैं और दोनों जुड़ करके आपस में एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसलिए जो रिएक्शन है इसे हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। वाटर बनने के बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है वो डायरेक्ट अटैच कर जाएगा नाइट्रोजन से और इस तरीके से दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे। जिस बॉन्ड के द्वारा कार्बन और नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं इस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड 40% डबल बॉन्ड करेक्टर दिखाता है। ये दिखने में सिंगल बॉन्ड लगता है लेकिन एक्चुअली में सिंगल बॉन्ड है नहीं। सिमिलरली ये पूरी तरीके से एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर 40% डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। पेप्टाइड बॉन्ड में फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर होती है, इसलिए जब पेप्टाइड फोल्ड होते हैं तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। फोल्डिंग कैसे होगी उस फोल्डिंग के लिए पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिस प्रोसेस के द्वारा ये काम होता है जिसमें अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं जनरली हमारे सेल में इसको ट्रांसलेशन कहते हैं और उसके लिए हमारा राइबोसोम काम करता है। राइबोसोम में भी जो RNA यूनिट है बड़े राइबोसोम की वो काम करती है, इसलिए ये रिएक्शन एक राइबोजाइम के द्वारा कैटलाइज की हुई रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। राइबोजाइम उन एंजाइम्स को कहते हैं जो बाय नेचर RNA होते हैं और क्योंकि राइबोसोम का राइबोसोमल RNA जो बड़ी सब यूनिट में पाया जा रहा है वो ये काम करता है, तो इसलिए ये रिएक्शन एक राइबोजाइम वाली रिएक्शन हो गई। सिमिलरली जो हमारा ये बॉन्ड बना है इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, केमिकली ये एक अमाइड बॉन्ड है। इसी तरीके से इन दो अमीनो एसिड के साथ में और अमीनो एसिड भी जुड़ सकते हैं और ये पेप्टाइड लंबी हो सकती है। हमेशा जब भी कभी कोई नया अमीनो एसिड आएगा तो वो कार्बोक्सिलिक टर्मिनस पर ही आकर के ऐड होना चाहेगा, इसलिए पेप्टाइड की डायरेक्शन हमेशा एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस होती है, क्योंकि जब अमीनो एसिड जुड़ करके पॉलीमर बनाएंगे तो इस पॉलीमराइजेशन में दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए थे जिनमें से एक था कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक था NH2 ग्रुप। तो अगर काफ़ी सारे अमीनो एसिड जुड़ करके आपस में पॉलीपेप्टाइड जनरेट करें तो सबसे पहले अमीनो एसिड का जो ग्रुप इन दोनों में से अवेलेबल अभी रिएक्शन करने के लिए वो है NH2, इसलिए हम इसको बोलेंगे एन टर्मिनस। और ऐसे ही जो लास्ट अमीनो एसिड होगा उसका ग्रुप जो अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए हम इसे बोलते हैं सी टर्मिनस। नया आने वाला अमीनो एसिड हमेशा सी टर्मिनस पे आता है और इसीलिए हम कहते हैं कि पेप्टाइड की डायरेक्शन N2C होती है।